बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने के मामले पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। एफआईए साइबर क्राइम की टीम इमरान खान से पूछताछ के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने एफआईए टीम से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने शामिल तफ्तीश होने और एफआईए के किसी भी सवाल का जवाब देने से भी इनकार किया। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, वो किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में देंगे। एफआईए ने बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश न होने का मौकफ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया है। एफआईए टीम रियासत मुखालिफ बयानिये और वीडियो की तशहीर पर तफ्तीश कर रही है। 26 मई को इमरान खान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर की गई। ज़राए के मुताबिक एफआईए टीम इस बात का तायुन करेगी कि प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने के लिए बानी पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट किसने इस्तेमाल किया या फिर उन्होंने ट्वीट की इजाजत खुद दी थी। उधर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का कहना है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया का सरबरा अमरीका में मुकीम है। उन्हें तफ्तीश करना पड़ेगी कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर वीडियो किसने अपलोड की।